Bollywood actor Ritesh Deshmukh, who is quite excited about his upcoming release Bangistan, seemed to be a little disappointed with the stalled release of his film in Pakistan. Ritesh said the Pakistan Censor Board needs to grasp the crux of the film before putting a ban on it, as the film does not talk about any religion or country, rather it is on anti-terrorism. After watching the film, the Pakistan Film Board has banned the film Bangistan. The film revolves around a fictional country called Bangistan, which has its own passport, national flag and its own position on the world map, and people from different communities live together. वहाँ के सेंसर बोर्ड ये फिल्म देखे तो उनको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि ये फिल्म ना ही किसी धर्म के खिलाफ है, ना ही किसी जगह के खिलाफ है, ये खिलाफ है उन लोगों के जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाते हैं. और ये फिल्म एक्चुअली डजंट टॉक अबाउट पाकिस्तान, डजंट टॉक अबाउट हिंदुस्तान, डजंट टॉक अबाउट एनी कंट्री. ये इशू जो है वो किसी भी देश से बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये इशू की बात कर रहा है. जानकारी है, मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोमो देखकर ये फिल्म बैन की है. हालांकि मेरी जब रितेश से बात भी हुई थी तो बात ये चली थी कि पूरी फिल्म देखें. कभी कभी बहुत सारी, मैंने पहले भी कहा है कि आइसोलेशन में कुछ भी चीज़ खटक सकती है इन अ प्रोमो, पर प्रोमोज आर डिज़ाइन टू टिटलेट योर इमेजिनेशन, और इसलिए ताकि आपको एक्साइट करें, आप फिल्म देखने आए. तो शायद आइसोलेशन में आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये शायद खटक रहा है, पर जब पूरी फिल्म आप देखोगे, इसका मैसेज, इट्स एक्चुअली एन एंटी टेररिज्म फिल्म. अगर ये कुछ प्रोपोगेट करती है ये फिल्म, इज एंटी टेररिज्म, इट फाइट्स अगेंस्ट टेररिज्म. जब तक वो फिल्म टोटैलिटी में आप नहीं देखोगे और उसका मैसेज नहीं समझोगे, तब तक आपको लगेगा शायद ये आपकी विचारधारा से के विपरीत है. पावर्ड बाय NNIS.